तो हेलो गाइस, तो गाइस नए ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो गाइस मैंने पिछले बड़ा ब्लॉग में डाला था कि अगर किसी लड़की को भी शादी करनी है अंशु से तो वो लड़की मुझे डीएम कर सकती है और अंशु पीछे शर्मा रहा है और मेरे पास मैसेज आ लगे है लड़कियों के। और भाई देखो कितना मेहनती लड़का है अंशु, देखो भूखी ना मरण दे बहू है भाई, भूखी कति नहीं मरण देगा। उधर मैक्रोनी चल रही है, इधर वो बना रहा है ग्रेवी बना रहा है, बड़ी इतनी बड़ी कढ़ाई में ग्रेवी बन रही है। बर्तन छोटा हो तो छोटे बर्तन, अब इतनी बड़ी कढ़ाई भाई, इतनी बड़ी तो बंदे भी तो देखो कितने। और गुन्नू और निशी बाहर वीडियो बनाने गई है, क्या होगा? अरे ड्रामे मचा रही है। अपनी फिटिंग दिखाई तेने, फिटिंग कैसे करी अपने उसकी? सिंपल लगा रखी। इधर आके दिखाई, इधर आके इसके ना, इसका ये थोड़ा लूज था। बैक कैमरा से दिखाओ। चलो बैक कैमरा से दिखाता हूं, कोई चुन्नी हटा। तो गाइस देखो इसने ना चिमटी लगा रखी, वो कपड़े सुखाने वाली टैग 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 तो गया, टैग ना दिख रहा। अच्छा लग रहा है। चलो बनाओ वीडियो। तो गाइस ये बाहर वीडियो बनाना आई है। प्रेरणा आज नए नए सूट पहन के देख रही है। हाँ तो गाइस ये प्रमोशन के सूट है, देखो पीछे टैग आ रहा, टैग तो तोड़ ले, टैग लटक रहा हीरो। तो गाइस इसके ना देखो बहुत सारे सूट पेंडिंग पड़े क्योंकि कशिश का बर्थडे है, तो बर्थडे के चक्कर में भी प्रमोशन करना पा रही, तो अब आ रही है, अब सारे पेंडिंग निपटा रही है जो भी इसके प्रमोशन है। अभी भी इसने तो तीन चार करे हैं प्रमोशन के, अभी और बहुत पड़े हैं। तो सुबह तक पहले मुझे ऑनलाइन कपड़ों में यकीन नहीं था, पर अब जैसे मैं देखती हूँ ये 1000-1500, अब ये सूट बहुत प्यारा सिंपल सूट है, कितना प्यारा लग रहा है। अगर मैं सिंपल भी कपड़ा लाऊंगी और सिलवाऊंगी तो उतने का ही पड़ेगा, और ये सीधे सिला है, और देख लो साइज भी मैंने ना तो फिटिंग कराई है ना कुछ, वैसे ही अच्छा भी लग रहा है। हाँ, तो वही कपड़े की बात है, पर ऑनलाइन मैंने अब तक जितने भी पेजेस से मंगाया ना, बस एक बार मैंने होली पे साड़ी मंगाई थी खुद से 799 की, वो एक पेज छोड़ था, बाकी आज तक मेरा कोई ऑनलाइन कपड़ा खराब नहीं। और गाइस अंशु लग रहा है मेरे लिए, कभी फ्लिपकार्ट मीशो का नहीं बोल सकती मैं, पर हाँ इंस्टाग्राम पर जो लेडीज सारी वर्क कर रही है ना, वो अच्छे सूट है, सब अच्छा काम कर रही है भाई। और गाइस अंशु मेरे लिए बना रहा है, क्या बना रहा है अंशु? क्या है? कौन यू है के? कौन कुकड़ी है यू? कौन कौन कहते हैं? कुकड़ी भुट्टा कह रहे हैं तो भुट्टा कौन है की बात होगी। तो गाइस अंशु देखो ये भी बहुत टेस्टी बना हुआ है, इसे छल्ली बोलते हैं, इसमें नमक वमक डालेंगे, मसाला नमक डालेगा, ये बहुत मस्त बना हुआ है हकीकत में। अभी हम देखते हैं जब पूरी तैयारी करके पूरा तैयार कर देगा, जब खाएंगे जब टेस्ट आएगा बढ़िया वाला। और गाइस आपने डीएम ना करे, मैंने बोला था कि जो अंशु के साथ शादी करनी चाहती है लड़कियाँ तो वो डीएम मुझे कर सकती है, मैं आगे बात बढ़ा सकता हूँ। ओके गाइस, लड़का जवान हो गया है, फसल लगा है, जय बाबा की। गाइस अंशु ने छल्ली तैयार कर दिया है, कैसी बन रही है? क्या बताओ, गरम गरम है, वैसे कैसी लग रही है टेस्ट? बढ़िया। तो गाइस अंशु पे सारे काम आते हैं और गुन्नू सो के उठ के आ गई है। तो गुन्नू सो के उठ गई है गाइस, आ जाओ भैया, आ जाओ चौधरन आ जाओ, आ जाओ छल्ली खा लो, छल्ली बनाई है तुम्हारे लिए, अरे बहुत अच्छी है। और यू लिया लिखा है चॉकलेट, पता ना कहा हर चीज कहा बोल रहे, हर चीज न्यूट्रीला का हर चीज बोलते हैं, ऐसा अच्छी लगा है, मैंने खाई आज तो पहली बार खाई मैंने तो चॉकलेट स्प्रेड, इसको हाथ से खाने में ज्यादा मजा आता है। ने गुन्नू के लिए पिज्जा और नीचे पनीर वाला मेरा है, एक अंशु का एक गुन्नू का, ये बर्गर भी मेरा है, और निशी ने मना कर दिया कि मुझे खाना ना, भाई भाई थैंक यू ना बोले, भाई 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 ये वाला अच्छा लग रहा है यार, ये बहुत टेस्टी है, उसे इसको छोड़ दो, भाई 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 वाह भाई। चलो गाइस हम खा के देखते हैं कैसा पिज्जा, पिज्जा क्या हुआ, तू कहां से टपक गई हैं? क्या पापा कल बोल रहे थे ना पोर्टल से भेज दो, तो मैं पोर्टल से आ गया। नूना तू क्या देख रही है, क्या हुआ? जान 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 ये कहां से टपक गई एकदम पोर्टल से आ गई, हां सो रही थी ना, मेरा बच्चा गा पापा नूना आ गया, पापा 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 आ जा मेरा शेर, मम्मी आई है, कौन आया लगी क्या बोल बोल रही हो, कुछ हो रही है, ओए अच्छा पा, ओए ओए कैसे कर रही है, अरे अरे ओए गुन्नू को देख के कर रही है, गुन्नू को देख के देखा है ना, तो कैसे गाइस देखो मुंह कैसे अंशु कर रही है, देख क्या हुआ बता, एसी चलाऊं? एसी चलेगा भाई, आ जाओ खाना
को भिगो रखे है, आ जाओ आ जाओ राजमा बनाओ, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, रसोई रसोई खा लिए तुम्हारे वहाँ। और चावल वहाँ पड़े हैं, सब्जी की बर्तन धोने हैं, बर्तन धोने हैं, सही टाइम पाई है मम्मी। राजमा देखो गाइस अपने हाथी गुड्डा गुड्डी इनते खेलने लगी, हाथी गोड़ इनते गंदे, इसको आदत हो गई है सब लोगों की, इकली रहती नहीं है, परेशान कर रखा मुझे अभी। अच्छा इसके मार आई है मम्मी। तो गाइस मम्मी सब्जी भी लेकर आई है, कई दिन को आई है मम्मी? मैं 15-20 दिन आऊंगी, यही 2-3 दिन ठीक है, निशी को शूट पे जाना। नहीं नहीं नई नई सब्जी खाने को मिलेगी, ठीक है 15 दिन नहीं रहो। ये क्या है? जलेबी। तो गाइस मम्मी जलेबी लेकर आई है मम्मी। और ये क्या है? मोमो। और मैं भी कह ही रहा था मोमोज को, अभी कह रहा था मुझे इसको फोन कर दे, मोमोज लेता आएगा या प्लेट। गुन्नू मम्मी जी क्या हो रहा है? और कोई आदमी नहीं मिला तुम्हें भेजने को? अंशु भेज दिया उन्होंने लेके वहीं। चावल बना कर लाई है मम्मी? तो राजमा भी गो रखे, सब्जी भी लाई हूँ। क्या राजमा? मैंने छोले छोले घर पे हम नहीं थे तो आपने टाइम पे खाना बना लिया। मैंने 1 किलो राजमा भी गो रखे, कुकर में आधे उसमें 2 बार में उबाल रही हूँ। तो गाइस मम्मी तो लेके आई है, बताओ सारा सौदा लेके आई है, हम तो खामो खामोशी ने राजमा बनाई। मम्मी ने भी तो सरप्राइज दिया, सरप्राइज इसीलिए फ्लॉप होते हैं। हां ए मेरा शेर कैचा होता जा रहा है, मलूक मलूक जा। ओ गाइस नोना कैसे गेट पे है सुपर आओ 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 नोना, अब बस चालू है नोचना, पढ़ दे पढ़ 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 बार बार कर मेरे से बात मत कर, मेरे से बात मत कर नोना, नो आई डोंट टॉक विद यू, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। पूरा दिन ते करता रहता है तू, ते गंदा। अब वीडियो बना ली हमने, वीडियो जा रहा हूँ अब जिम, 9 बज रही है क्योंकि मैं सुबह पता पहले मैं जल्दी जा रहा है 5-6 बजे तो बहुत भीड़ रहे भाई, तो इसलिए अब लेट जा रहा हूँ 9 बजे, भीड़ थोड़ी कम हो जा रहा है। तो चलो गाइस जिम आ जाते हैं। तो गाइस मैं आ रहा हूँ जिम करके और प्रोटीन वोटीन पीऊँगा। आजकल जिम पर मैं थोड़ा ज़्यादा गौर दे रहा हूँ क्योंकि शरीर बहुत ख़राब हो गया है, बिल्कुल घट गया था, इसलिए आज मैंने चेस्ट मारी है। चलो गाइस तो मैं प्रोटीन पी लेता हूँ। क्यों हुआ है ये बात? हो टोपी दे, मेरी टोपी आप नहीं पिलाएंगे अब। तो गाइस हम जा रहे हैं पार्क, पोरक मम्मी भी जा रही है, सारे पोरक जा रहे हैं, पोरक और वो कौन गई? अबे ताला लगा दियो अंदर से, चाबी लेकर पूरी ताला लगा दियो। तो हो रही ठंडकड़ा वाले कैसे रो रही है? कौन बेटा कौन बेटा कौन रो रही है? तो हंस रही है गंजे आप ले लो। लचीजी चीजी तू थोड़ी चल रहा है, लचीजी अकेला थोड़ी ना रहूं ना ले बेटा, चीजी चीजी ले चीजी बोले तो एक मिनट में मूवमेंट तुम ये यार सोसाइटी में क्या कर रही है? बोल रही थी लो मैं कह रही था जब भी आऊँ मुझे कोई दिखता ही ना, एक भी आदमी देख रही ये लो दिख गया तो मैंने कह दी उसे नमस्ते सर, वो भी कह रहा नमस्ते। कभी कोई दिखता नहीं इतनी गाड़ी है तो हम कहीं और हंस भी गए, वो समझ गए होगा मौसम कैसा हो रहा है, जैसे सर्दी में हो जाए मौसम ऐसा हो रहा ना।
तो कैसे पता क्या होगा, अभी सोसाइटी में ना कोई आदमी जा रहा है तो मम्मी उससे छेड़ रही खोमो खोम, बताओ मैं कह रही उससे नमस्ते सर, अरे मम्मी तो मुझसे जोड़ नहीं, वो बैग लेके आ रहा था ना, अब मेट्रो में जाओगे ना टोकन मिलेगा वो। एक आदमी नहीं दिखता, कोई गाड़ी तो इतनी, मकान इतने, आदमी दिखता नहीं और गाड़ी इतनी बढ़िया। तो अब तो मैंने उसे नमस्ते कर दी, ये बालक हंस रहे। तो अब तो मैं जो भी मिले ना नमस्ते सर, नमस्ते सर, ये मत करना नमस्ते सर। ठंडक वाले ढाई सौ गुनु बेहूस होगी, झूले पे भी ना मतलब पंगे करने से बाज नहीं आते हो आपको, वो है बीमारी। तो गाइस हम आए रात को झूलने, डेली आवे हम, डेली आवे ना हैं। सर नमस्ते, सर कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बताओ। मैम आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। बीच का मार दूँगा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस हम उठ गए हैं और आज प्रेरणा का सो रही है, प्रेरणा की पूजा कर दी है। क्या है सुनो? क्या हो रहा है? चलो तो गाइस, मेरा मुंह सूजा सूजा सा क्यों हो रहा है? तो गाइस प्रेरणा हो गया तैयार और हम जा रहे हैं, और ये चूड़ा लेकर जा रही है, पता ना पिंक वाला कौन सा, और ये आज मेरा लहंगा ही है, और आज ये वाला लहंगा पहनेगी, इसमें पिंक ब्लाउज है ना, और बहुत हैवी ड्रेस है ये भी। बस हम जाने के लिए जाएंगे, और उनसे पीछे देखो कैसे पड़ा सोफा। बाय बाय, और इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय बाबा। और फिर से पम्मी मेरी सबसे पहले रील डाल देगा, मैंने सोचा था ब्राइडल लुक लोगों को पहले एकदम नहीं दिखाऊंगी जब मेरा पहले वाला शूट था, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्राइड था, पम्मी ने साइड से बढ़ा के सबसे पहले डाल दी, आज सारे कैमरा छुपा दूंगी। चलो तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जय बाबा।